आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं, देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनू है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। जी हाँ, मैं गौतम कुमार देश की अखंडता समृद्धि और विकास के लिए समाज के सभी वर्ग सभी समुदाय के लोगों से त्रिपाठी फाउंडेशन गौतम क्लासेस यूएस पब्लिक स्कूल किड्स कॉन्वेंट स्कूल और डीएवी स्कूल नीमाडी के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में कम से कम एक दीप जरूर जलाएं और एक एक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के अमर शहीदों और अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आओ भारत पर्व मनाएं, विराट संस्कृति की गाथा गाएं, आओ आजादी का जश्न मनाएं। आओ भारत पर्व मनाएं, एक दीप देश के नाम, एक दुआ देश के नाम, एक दिन देश के नाम। न रंग न रूप न जाति न धर्म न भूषा न वेश, बस हमारी पहचान बने हमारा भारत देश। भारत पर्व प्रतीक उस कहानी का, प्रेम एकता संघर्ष और कुर्बानी का।